भगवान शिव का अति प्रिय महासावन चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग और उनके महत्व के बारे में। आज हम जिसके बारे में आपको बताएंगे, यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं। पिछली बार हम आपके लिए लेकर आए थे कैलाशनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। आज हम आपको बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंग लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इसका वर्णन स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण समेत प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म और आस्था के हमारे इस खास सेगमेंट परिक्रमा में। हम बात कर रहे हैं भारत के अति प्राचीन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में। भगवान शिव का यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थापित है। यह मंदिर इसीलिए भी खास है क्योंकि इसके बारे में कई सारे महाग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। इस मंदिर के भवन का बहुत बार पुनर्निर्माण करवाया जा चुका है। पौराणिक कथाओं में अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, जिनको सोम नाम से भी जानते थे, जिसके चलते इसका नाम सोमनाथ पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छठा ही निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्मों के पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ दर्शन करने वाला भक्त भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा के पात्र बनते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप तीन प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 चंद है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके आबादित समुद्री मार्ग ऋष्टाम्ब के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोमनाम चंद्र का है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमिल होता जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्वार हुआ। वह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।